रिश्ता तय होने के बाद और शादी होने से पहले का जो खूबसूरत सा वक्त होता है, उस वक्त के किसी के एहसासों को जो मैंने बेहद करीब से महसूस किए थे, उनको शब्दों में पिरोने की कोशिश की है, आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। अभी कुछ दिनों पहले ही रिश्ता तय हुआ है मेरा। अभी कुछ दिनों पहले ही रिश्ता तय हुआ है मेरा। उनकी पसंद का तो पता नहीं, पर उनके परिवार वालों को मैं पसंद आ गई थी। उनके बारे में बताया गया, एक तस्वीर दिखाई गई जो मुझे भी भा गई थी। फिर कुछ दिनों बाद सगाई का दिन आया। पर वो नहीं आए। हाँ, हमारे यहाँ ऐसे भी सगाई हो जाती है, कुछ शगुन दादी तो कुछ ननद निभाती है और बस यूं ही सगाई हो जाती है। तो कुछ दिनों बाद सगाई का दिन आया पर वो नहीं आए। जिनका इन आँखों को इंतज़ार था और दिल बैठा था कुछ सपने सजाए। फिर ये मन जो खुद को मना ही लेता है कुछ ऐसी ही दलीलें देकर कि बेकरार तो वो भी हुए होंगे, मेरी एक झलक पाने को, पर किसी ने रोक ही लिया होगा उन्हें यहाँ तक आने को। वही पुरानी दकियानूसी बातें करके कि बेटा शादी से पहले मिलना जुलना ठीक नहीं, समझा करो, ये हमारे घर की रीत नहीं। और फिर सगाई हो जाती है और सगाई के बाद कुछ दिन भी बीत जाते हैं। अब इंतज़ार है मुझे उनकी पहली फ़ोन कॉल का। ऐसा नहीं है कि मेरे पास उनका नंबर नहीं है, पर इंतज़ार है उनकी पहल का कि पहले वो ही फ़ोन मिलाएं, कुछ मेरी खैरियत पूछें, कुछ अपने दिल का हाल सुनाएं। कभी वो मुझसे रूठें तो कभी मुझे इत्मीनान से मनाएं, कुछ वादे भी करें, कुछ बेवजह ही बुदबुदाए। मेरी हंसी भी कुछ खास है, कभी ये भी एहसास कराएं, फ़ोन पर लंबी बातें कर मुझे रातों को जगाएं। ये मेरी कुछ ख्वाहिशें हैं, उनकी ख्वाहिशें क्या हैं वो भी हमें बताएं। इंतज़ार है हमें उनकी पहली कॉल का, ये कैसे उन्हें बताएं, ये कैसे उन्हें बताएं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, आज फ्रेंडशिप डे भी है और फ्रेंडशिप डे के मौके पर ही मैंने अपनी एक फ्रेंड को कभी एक लेटर लिखा था। मैं वो उस तक तो नहीं पहुंचा पाई, पर मैं आप लोगों के सामने उस लेटर को रखना चाहूँगी। पर शुरू करने से पहले किसी और की लिखी लाइन है, वहाँ से शुरू करती हूँ। तेरी मेरी दोस्ती इतनी खास हो, कि दुनिया कहे काश ऐसा दोस्त मेरे पास हो। अब मैं लेटर शुरू करती हूँ। मेरी प्यारी दोस्त मनीषा, तूने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, न कोई खास उम्मीद ही रखी। बस जब भी बात होती थी तो एक ही बात बोलती थी, यार कितने दिन हो गए ना हमें मिले हुए, चल ना मिलते हैं कभी। अच्छा चल, तू रहने दे, तो मुझे ही बता दे, मैं आ जाती हूँ, कहाँ आना है, कहाँ मिलना है मुझे बता दे, मैं आ जाती हूँ। और मैं वही जवाब देती थी, हाँ यार बताती हूँ, ज़रूर बताती हूँ, देखती हूँ कब मिल सकते हैं। ऐसा नहीं था कि मैं तुझसे मिलना नहीं चाहती थी, पर पता नहीं क्यों कभी बच्चा छोटा है यार, कैसे आऊँ, कभी ससुराल का बहाना, कभी कुछ तो कभी कुछ, पता नहीं क्यों वो एक दिन या एक तारीख या एक टाइम में तुझे दे ही नहीं पा रही थी। खैर, जो सेकंड लास्ट टाइम मैंने तुझे कॉल की थी ना, उस रात तू मेरे सपने में आई थी और तेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो मैं बहुत डर गई थी और जैसे ही मेरी आँख खुली मैंने तुरंत तुझे कॉल लगाई। और जब फ़ोन पर तेरी बजाय आंटी की आवाज़ आई तो मैं सचमुच और डर गई थी कि कहीं मेरे सपने में कोई सच्चाई ना हो। और फिर जब मैंने आंटी से पूछा कि आंटी मनीषा कहाँ है, और आंटी ने भी जो मैं नहीं सुनना चाहती थी वही बोला कि बेटा उसकी तो तबीयत कुछ दिनों से ख़राब है,
और शायद वो अब कुछ दिनों की ही मेहमान है। तो जैसे मैं हिल सी गई थी, और फिर बड़ा जोर देने के बाद जब मैं तुझसे बात कर पाई थी ना, तो मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि मुझे बस तुझसे मिलना है, तेरा हौसला बढ़ाना है और तेरा अच्छे से अच्छी जगह इलाज कराना है। और पता है, कुछ दिनों बाद मैं फिर अपनी बड़ी माँ के घर भी आ गई थी, क्योंकि वहाँ से तेरा घर थोड़ा पास था ना, तो मुझे लगा कि हम आराम से मिल पाएंगे। और फिर जब मैंने तुझे कॉल की कि क्या हम मिल सकते हैं, और तूने बोला यार मैं एक दो दिन के लिए ना कहीं इलाज कराने जा रही हूँ, जब मैं वापस आऊँगी तो मैं खुद तुझे कॉल करके बताऊँगी कि क्या हम कब मिल सकते हैं, और मैं बड़ी बेफिक्र सी हो गई कि उसका कॉल आएगा तो हम मिलेंगे इस बार। और फिर जब दो तीन दिन की बजाय 3-4 दिन तक तेरा कोई कॉल नहीं आया, तो मुझे लगा कि मैं ही फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कि हम कब मिल सकते हैं। और मैंने कॉल की, पर तूने कॉल ही पिक नहीं की। फिर मैंने एक मैसेज छोड़ा कि यार मैं अपनी बड़ी मम्मी के पास गुड़गांव आई हुई हूँ, तू प्लीज़ मुझे बताना हम कब मिल सकते हैं। उस दिन शुक्रवार था, पर तेरा मैसेज का भी कोई रिप्लाई नहीं आया। और शनिवार को मैं अपने ससुराल वापस आ गई, और रविवार सुबह जब मैं सोकर उठी भी नहीं थी, तब आंटी का कॉल आया। और जैसे मैं घबरा सी गई थी कि पहले मैंने तेरा फोन उठाया, और जब आंटी की आवाज सुनी तो मैंने बड़ी डरी और दबी आवाज में पूछा, आंटी मनीषा कहाँ है? और उन्होंने कहा कि वो तो चली गई बृहस्पतिवार को ही। तो जैसे मैं, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मुझे क्या बोलना चाहिए। और मैंने ज़्यादा बात ना करते हुए तब फ़ोन काट दिया था। यार यकीन नहीं होता कि तेरे जैसी जिंदा दिल लड़की महज 30 वर्ष की उम्र में अपनी ज़िंदगी से ऐसे हार मान बैठेगी। पता है, जो तेरी छोटी सी प्यारी सी बेटी है ना, तेरी अस्थियां तो गंगा में विसर्जित कर आई, पर घर आकर आंटी से तुझे वापस बुला के लाने को भी बोलती है। और उसकी ऐसी बातें ना, जैसे मेरा सीना चीर सी जाती हैं। याद है तूने लास्ट टाइम एक कार्ड जो मुझे दिया था, और उसमें एक गाना लिखा था, तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। शुक्रिया।